और फिर से एक बार हिंदू मुसलमान का जो सियासी जंग है शुरू हो चुका है और नेताओं के जुबान से अब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम या फिर हिंदू शब्द बाहर आ रहा है। हैदराबाद में ओबीसी अपनी साख बचाने के लिए अब जद्दोजहद कर रही हैं। फायर ब्रांड लीडर के तौर पर उभरी माधवी लता ने सीधे ओबीसी को टक्कर दी है और लगातार वो प्रचार कर रही हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त दबाव में ओबीसी नजर आ रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर बीजेपी ने जीत के लिए सारे दांव चल दिए हैं और बीजेपी के दिग्गज हैदराबाद पहुंच चुके हैं। ओबीसी ब्रदर्स का जो चैलेंज है अब माधवी लता ने लिया है और वो टक्कर भी कड़ी उनको दे रही हैं। 12 साल पहले अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को अब बेस बनाते हुए विवादित बयान दिया है और नवनीत राणा ने कहा है कि पिछले 15 साल में जिस तरह से 15 सेकंड की बात कर पुलिस को हटाने की बात की गई थी अब उसे जनता भूली नहीं है, उसका जवाब जनता देगी। वो छोटा भाई बड़ा भाई है, छोटा और बड़ा है। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाना, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, जिस दिन हम मंच पे आ गए। अब सोचिए कि करीब करीब खुला चैलेंज है मंच पर ओबीसी ब्रदर्स को लेकर। जिस तरह से नवनीत राणा ने खुला चैलेंज दिया है उसे देखकर तो लगता है कि इस बार बीजेपी ने तय कर लिया है कि ओबीसी का गढ़ वो हिलाकर रहेंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं बीरभूम में बूंदाबांदी हो रही है, भले ही यहां पर मौसम ठंडा हुआ है लेकिन पूरे देश में चौथे चरण के चुनाव को लेकर सरगर्मी है। बयान आपको सुनाते हैं एक बार फिर से। माधवी लता जी जिस तरीके से शेरनी बनकर एक खानदानी परंपरा के सीट पर लड़ रही है और कांग्रेस भी एक डमी कैंडिडेट देते हैं एमआईएम को सपोर्ट करने के लिए, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। दूसरे के यहाँ से लड़के ओबीसी जी ने देखना चाहिए कि असली ताकत क्या होती है। पर माधवी लता जी के सपोर्ट में जिस तरीके से सभी विचारधार लेके जो हिंदुस्तान के साथ हैं, जो हिंदुस्तान को अपना आस्था मानते हैं, जिस धरती पे हम रहते हैं उसकी पूजा करते हैं, वो सभी मतदार इस बार माधवी लता जी को मतदान हैदराबाद में करेंगे। और आने वाले समय में जब मतदान होगा तो मेरी पूरी उम्मीद है कि माधवी लता जी जरूर हैदराबाद को पाकिस्तान होने से रोकेंगी और पार्लियामेंट को हैदराबाद के विकास के लिए जरूर काम करेंगे। तो रवनीत राणा पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि आग उगल रही हैं चुनाव के मौसम में और भी गर्मी लेकर आ रही हैं। और माधवी लता के समर्थन में जब मैदान में उतरी नवनीत राणा तो उन्होंने साफ कहा कि हैदराबाद को ओबीसी ब्रदर्स से बचाना है, हैदराबाद को पाकिस्तान होने से बचाना है। इस बार नो छुट्टी, नो धू, नो धू। इस बार सिर्फ मतदान होगा तो देश के हित में होगा। इस बार मतदान करना है तो हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए होगा। इस बार मतदान करना है तो माधवी लता को, हमारी शेरनी को, इस देश के पार्लियामेंट में भेजने के लिए होगा। इस बार मतदान अगर वोटिंग करना है तो हैदराबाद के सभी हिंदुओं को जगाने के लिए होगा। मैं आप लोगों से, सभी युवकों से विनती करूंगी कि आपकी बार, सभी युवकों से विनती, आपकी बार, सभी का हाथ ऊपर, आपकी बार, 400 बार करना पड़ेगा नहीं तो बोलेंगे राहुल बाबू को प्राइम मिनिस्टर बना नहीं कर। लेकिन इस बीच जो नवनीत राणा ने 15 सेकंड का बयान दिया और 15 मिनट पे 15 सेकंड जो भारी पड़ता दिख रहा है तो शायद यही वजह कि एएम के नेता वारिस पठान भी अब गुस्से से आग बबूला है और उन्होंने क्या कहा इस बयान पर आपको सुनाते हैं। नवनीत राणा को इस मर्तबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही है और अमरावती से आनंद राज अम्बेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया था।
तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह की अनाप शनाप बातें करने लग गई। नहीं, क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के? सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। हाँ, क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अरे अब ये देखिए, बीजेपी अपनी ओछी हरकतों पे आ गई। मुसलमानों को गालियां दो, 15 सेकंड हटा दो, सबको मार डालेंगे। हाँ, पोलराइज करो सिचुएशन को, नफरत फैलाओ, देश के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी फैला दो। बस यही इनकी मंशा रह गई है, क्योंकि इनको पता चल गया है बीजेपी को कि अब की बार 200-250 पार करना भी मुश्किल हो चुका है इनके लिए। तो ओवैसी ब्रदर्स को इस बार हैदराबाद में कड़ी टक्कर मिल रही है। ओवैसी ब्रदर्स, या यू फिर यूं कहें कि MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो खुद को पूरे देश के मुसलमानों का पैरोकार मानते हैं, खुद अब दर दर भटक रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं, क्योंकि माधवी लता से और बीजेपी से जो टक्कर मिल रही है, कहीं ना कहीं इस बार वो डर बैठ गया है ओवैसी ब्रदर्स के अंदर कि क्या उनका गढ़ हिलेगा और क्या उनका यहां से सत्ता दूर होगा। वजीर आजम बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान बदल रहा है और भारत में हिंदू मुसलमान हो रहा है। वजीर आजम, नुपुर शर्मा आपकी पार्टी की है, मेरी पार्टी की है? बताओ वजीर आजम, नुपुर शर्मा आपकी पार्टी की है, मेरी पार्टी की है? 10 साल से आप ही कर रहे हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान। आप मजहब को तब्दील करने का कानून आप बनाते हैं, लव जिहाद का नाम आप देते हैं, घुसपैठियों का इल्जाम हम पे लगाते हैं और बोलते हैं कि मुल्क में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे आप ही तो कर रहे हैं ना। और वजीर आजम बोलते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान बदल रहा और भारत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। वजीर आजम फिर ये भी बोलते हैं कि मैं गल्फ कंट्रीज को जाता हूं तो मुझे बड़ी इज्जत। अब ओवैसी जब मंच से कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को आखिर क्या पड़ी है कि वो अरब की बात करते हैं, अरब मुल्कों की बात करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी तो देखना होगा कि जो ओवैसी जब भी बात करते हैं तो अपने ही मंच से वो फिलिस्तीन की बात करते हैं और फिलिस्तीनियों की बात करते हैं। तो वैसे आपको बता दें कि थर्ड फेज का चुनाव तो खत्म हो चुका है, अब फोर्थ फेज की ओर चुनाव बढ़ चुका है।